देश में आतंकी मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को हुमैद उर रहमान की तलाश थी, जिसे शुक्रवार को यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया। प्रयागराज पुलिस ने ही हुमैद उर रहमान को गिरफ्तार किया है। अब उससे पुलिस और अन्य एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। दरअसल प्रयागराज के करेली पुलिस को यूपीएसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से एक इनपुट मिला था, जिसके आधार पर प्रयागराज पुलिस ने हुमैद उर रहमान को गिरफ्तार किया है। अब उससे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से पकड़ा गया उसामा इसी हुमैद उर रहमान का भतीजा है। पता चला है कि पाकिस्तान ट्रेनिंग पर भेजे गए जीशान को रेडिकलाइज करने का काम हुमैद उर रहमान को दिया गया था। लखनऊ से पकड़े गए आमिर भी हुमैद उर रहमान के नेटवर्क के जरिए ही इस नेक्सस में शामिल हुआ। आमिर बेग की बहन का ससुर है हुमैद उर रहमान। आईबी के इनपुट पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई है। आईएसआई और अंडरवर्ल्ड के इस मॉड्यूल की पहली कड़ी दिल्ली के ओखला में मिली है। इस कड़ी का नाम था उसामा। दिल्ली पुलिस ने उसामा के इर्द गिर्द जाल बुनना शुरू किया। उसामा की मदद अब स्पेशल सेल के हाथ कई सुराग लग चुके हैं। अब कई और नाम सेल के हाथ लगे हैं। आईबी की खबर पुख्ता हो चुकी थी, लिहाजा स्पेशल सेल ने एक साथ कई टीमें बनाई। इन टीमों को मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज, रायबरेली, प्रतापगढ़ रवाना किया गया। यूपी और महाराष्ट्र पुलिस को भी भरोसे में लिया गया और फिर 14 सितंबर को स्पेशल सेल का ऑपरेशन शुरू हुआ। सबसे पहले ओखला से उसामा को गिरफ्तार किया गया। उसामा की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि जान मोहम्मद शेख और समीर कालिया मुंबई से दिल्ली ट्रेन से आ रहा है। दिल्ली पुलिस की टीम ने कोटा में ही ट्रेन से समीर कालिया को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मोहम्मद अबू बकर को दिल्ली में ही सराय काले खां से उठाया गया, वो भी बस से दिल्ली छोड़कर निकलने वाला था। जीशान नाम के एक और शख्स को प्रयागराज से पकड़ा गया, जबकि मोहम्मद आमिर जावेद को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। छठे संदिग्ध यानी मूलचंद उर्फ लाल को रायबरेली से पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर जाकिर को मुंबई से ही गिरफ्तार किया है। जाकिर टेरर मॉड्यूल में अहम कड़ी है। जाकिर ने गिरफ्तारी अंडरवर्ल्ड के शूटर जान मोहम्मद उर्फ शमीर कालिया को मुंबई हथियार और विस्फोटक लाने को कहा था। जाकिर के कहने पर जान मोहम्मद हथियारों का डिलीवरी करने निकला था। इस मुद्दे पर मेरे पैलेस मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। ललन सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। इसके साथ ही सर्वेश्वर पाठक जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं। ललन सिंह जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि ये एकाएक जो तस्वीरें आई, ब्रेन वॉश करने वाला जो आरोपी है वो भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है, छह लोग, आतंकी साजिश और एक बार फिर से 1993 की घटना को दोहराने का प्रयास, क्या कारण समझे जाए? क्योंकि लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से भारत को सुरक्षित किया जाए, लेकिन बार बार युवाओं के को मानसिक तौर पर जो है उनको ब्रेन वॉश करके एंटी चीजें जो है उनके दिमाग में भरी जा रही हैं, इससे कैसे बचा जाए? देखिए काव्या जी, बड़ा साफ है, 93 का दोबारा रिपीट करना आतंकियों का एक सोच है, और उसमें सबसे बड़ा समर्थन आईएसआई और पाकिस्तान की रणनीति है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो छह लोगों को अरेस्ट होने के बाद इंट्रोगेशन की जो प्रक्रिया हुई उसमें एक के बाद एक कड़ी जो है खुलती गई, और ऐसा लगता था कि ये आतंक जो है अभी बहुत कुछ खत्म हो गया, लेकिन अब ये एहसास हो रहा है कि जो पूरे भारत के अंदर ये जो आईएसआई है वो बहुत प्लानिंग के साथ और दाऊद ग्रुप के साथ वो इस तरह की माहौल बनाना चाहता था जो 93 आप मान के चलिए कसाब 2 का एक फिर से याद दिलाना चाहता था। लेकिन हमारी जो चौकसी थी और हमारे जो एटीएस एजेंसी इंफॉर्मेशन इसी चीज के जो काबिलियत थी उनके कारण सभी पकड़े और इनसे इंफॉर्मेशन लगातार मिल रही है। जैसा आपने बताया कि जो वो बच्चों को अपना ब्रेन वॉश और मोटिवेट करके और आर्थिक रूप से मदद करके और उनको धार्मिक उन्माद के द्वारा पाकिस्तान भेजना और भारत के अंदर अपने जाल को नेट को बढ़ाना, ये उसकी काबिलियत थी। दूसरा, आज जो मुंबई के अंदर अरेस्ट हुआ है जागीर का, वो एक जहरीला सांप है। अब देखिए वो हथियारों को और पैसों को
दाऊद की तरफ से 2-3 लाख रुपए भी हाल के दिनों में उसे मुहैया हुई है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हालात है वो अचानक नहीं हुए, ये 93 को फिर से एक बार भारत के अंदर दोहराना चाहते थे। और ये भी बताना चाहता हूँ कि तालिबान आने के बाद क्या भैया जी, इनकी जो दिमाग है, इनकी जो जोश है, इसमें थोड़ी अफजाई हो गई है। और जी, इस टॉपिक पे मैं आपसे ब्रीफली जवाब चाहूंगी, क्योंकि तालिबान के मुद्दे पर आपने बात करी, ये सवाल मेरे जहन में बार बार जरूर उठा, लेकिन सर्वेश्वर जी से एक सवाल है मेरा। सर्वेश्वर जी, स्लीपिंग सेल्स जो है वो एक बड़ा विकट स्थिति होती है किसी भी देश के लिए। जब अमेरिका पे 9/11 का हमला हुआ था, उसके बाद उन्होंने अपने स्लीपिंग सेल्स को पूरी तरीके से खत्म किया था। 2008 में जब हमारे यहाँ ताज पर हमला हुआ, मुंबई ब्लास्ट हुआ था, उस दरमियान भी इस पर वर्क किया गया, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत कम स्लीपिंग सेल्स के जो केसेज है वो सामने आते थे। लेकिन अब जो ये क्रम धीरे धीरे शुरू हुआ है, ये एक चिंता का विषय है। इस सर्वेश्वर जी के पास जाऊंगे, सर्वेश्वर जी जवाब चाहूंगे आपसे स्लीपर सेल को लेकर के मैंने आपसे पहले सवाल पूछा था। काव्या देखिए, भारत वर्ष में जो ये स्लीपर सेल्स और ये जो आतंकवादी हैं, जो इस्लामिक आतंकवादी का जो है, यह बहुत ही विकट समस्या है। और इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को सख्त और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। कानून से कुछ नहीं होगा। अगर आप इनको गिरफ्तार करते हो, इनसे सारी जानकारियां लो और इन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज से उड़ा दो। इनके परिवार वाले जो भी हैं उनको नेम एंड सेम पब्लिकली करना चाहिए, तब एक कड़ा संदेश जाएगा कि आप भारत में रह के ही भारत के खिलाफ गद्दारी नहीं कर सकते और अपने बच्चों को ये जो मदरसों में पढ़ा के आतंकवादी बना रहे हो या जो भी मौलवी रेडिकलाइज कर रहा है उस पे भी अंकुश लगेगा। और ये बहुत करना पड़ेगा क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर हो गई है। अरे उसके फैमिली को आप नेम सेम करो, जो समाज में लोग भी तो देखे कि आखिर कौन है ये हमारे बीच का ही जो लोग रह रहे हैं और वो अपने बच्चे को आतंकवादी बना रहे हैं, उन आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं। अब देखो इसका कितना है, ये जो क्या नाम है उसामा और कमर जो है वो पाकिस्तान में ट्रेंड आतंकवादी है और आईएसआई के सह पे भारत में, वो भी दिल्ली और यूपी में 1993 की तरह सीरियल ब्लास्ट करने वाला था। तो आप इसकी गंभीरता को समझिए और भारत सरकार को भी, ठीक है इतने सारे टेररिस्ट आपने गिरफ्तार किए, इनको एक कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा, स्पेशल कोर्ट चला के इनको जल्दी से जल्दी, अभी आप देखो टेररिस्ट में जो कसाब पकड़ा गया था उसी को फांसी हुई थी, इतने सारे टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं, आखिर आप उसको जेल में रख क्यों रहे हो? स्लीपर सेल को खत्म करना है तो हमें करा रुख अपनाना पड़ेगा, जितने भी पकड़े जाए उन्हें आप पॉइंट ब्लैंक रेंज से या तो इनकाउंटर कर दो, गोली मार दो और उनके परिवार वालों पे भी शिकंजा कसो, तब जो और भी स्लीपर सेल्स हैं वो डर जाएंगे, सहमल जाएंगे कि अगर हम पकड़े गए तो हम पे ही कार्रवाई नहीं होगी, हमारे परिवार वालों पे, हमारा अगर छोटा भाई बहन या घर के और भी लोग हैं उन पे भी होगी। आप देख लीजिए केरला में क्या हो रहा है, वहां पे लड़कियां तक आईएसआईएस ज्वाइन कर रही हैं और जब वहां पकड़ी जाती हैं, सेक्स स्लेव बन जाती हैं वो आतंकियों की, तब वहां से गुहार लगाती है कि भारत सरकार हमको वापस बुला ले। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो लोग हिंदुस्तान का भला नहीं चाहते उन्हें हिंदुस्तान के अंदर रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, क्योंकि सरजमीन ने अगर आपको कुछ दिया है तो अगर आप इसको कुछ लौटा नहीं सकते तो कम से कम यहाँ के अमन चैन को बरकरार रखें। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी जुडिशरी मानती है कि रेयर इन द रेयरेस्ट केस में ही फांसी दी जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि हिंदुस्तान का रिकॉर्ड अगर आप चेक करें बहुत कम फांसियां दी गई हैं और ये माना जाता है कि 100 गुनहगारों को छोड़ दिया जाए तो वाजिब है, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। अगर कभी ऐसा हो गया कि जुडिशियल प्रोसेस लंबी नहीं चली और उस बीच कोई बेकसूर मार दिया गया या फिर उसको कोई फांसी की सजा हो गई, इस बीच उसको फांसी लग जाती है, तो कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान के एक कानून व्यवस्था पर सवाल आ जाएगा, क्योंकि समय मेरे पास कम है। मैं आ रही हूँ, मैं सर्वेश्वर जी लास्ट कमेंट आपसे लूंगी, 10 सेकंड का समय दूंगी आपको। समय ललन सिंह जी के पास जा रही हूँ मैं। ललन सिंह जी, एक अहम सवाल है यहाँ पर, दो सवाल है मेरे। पहला तालिबान से जुड़ा, आप समझ गए होंगे क्योंकि लिंकअप कहीं ना कहीं अब निकल रहा है। दूसरी अहम बात, स्लीपिंग सेल्स को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो आपके और हमारे जैसे लोग होते हैं जो रोजमर्रा का काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं अपना, और इस बीच उनके दिमाग में जो चल रहा होता है वो समझ पाना बहुत जटिल होता है, उससे कैसे पार पाया जाए? देखिए काव्या जी, उतना भी मुश्किल नहीं है जी। ये जो ट्रेंड लोग होते हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस के हो, आईबी के हो या और भी किसी स्टेट या सेंट्रल के खुफिया विभाग के, वो वेरिफिकेशन चाहे सर्विस की हो या माहौल में काम करते हुए उनके चाल चलन की हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखिए इस जो पूछताछ की प्रक्रिया है उसमें क्या क्या मिला है। डीआरडीओ के
चार कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट में थे उनकी पकड़ हुई है। जैसलमेर के अंदर संदीप है, वो लड़के को पकड़ में लाया गया जो आईएसआई को करीब 6 महीने से गुप्त सूचनाओं को भेज रहा था। मैं कह रहा हूँ केवल सख्त और सतर्क होकर काम करने की आवश्यकता है। अब आप देखिए एक नया एक नमूना पैदा हुआ, शाहरुख, जिसके पोलिट्री फॉर्म के अंदर उनको आईईडी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को मिला था, उसने 2 दिन के बाद अपना सरेंडर कर दिया और उसने ये बताया है कि मैं आपका गवाह बनना चाहता हूँ और ये जो ओसमा जैसे लोग हैं उन्होंने मुझे मूर्ख बनाकर हमारे पोलिट्री फॉर्म में ये सामान आईईडी का रखा था। लेकिन मैं मान के चलता हूँ इसी तरह के लोग जो आर्थिक मदद धार्मिक उन्माद के नाम पर और उनके किसी एजुकेशन की कमी और माहौल को पैदा करके इस तरह का स्लीपर सेल का मतलब निर्माण होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ट्रेंड लोग हैं वो जानते हैं स्लीपर सेल कैसे पकड़े जा सकते हैं, कैसे उनकी पहचान की जा सकती है। नंबर 2, आपने जो पूछा है तालिबान आज अपने आप में ब्रदर हो या हक्कानी ग्रुप हो, और जो पाकिस्तान है वो सोच रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा तालिबान के समर्थन में आने से दुनिया में एक खलीफा बन जाएंगे मुस्लिम देशों का, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब है कि क्रिकेट के मैच तक कैंसिल हो रहे हैं, पूरी दुनिया उसके एक्चुअली जो हालात है उसको समझ रही है। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि सर्वेश्वर जी ने जो कहा वो एकदम सही है, सख्त होना बहुत जरूरी है। ललन सिंह जी एक और सवाल है मेरा, क्योंकि अभी हाल ही जो रिपोर्ट्स आई है सामने उसमें पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि आईएसआईएस के यानी आईएसआईएस खुर्रान के जो कमांडोज को एक तरीके से जो है राजस्थान के कुछ एरिया है जैसलमेर और कुछ और एरियाज है जहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है, या आरोप भारत के ऊपर लगाया गया कि आप जो है आईएसआईएस खुर्रान के जो कुछ जो आतंकी हैं संगठन से जुड़े लोग हैं उन्हें ट्रेनिंग भारत के अंदर दी जा रही है, क्या समझा जाए? पाकिस्तान ने कह तो दिया लेकिन जो तस्वीरें आ रही है वो यकीनन ऐसा लग रहा है कि यकीन हमारे देश के युवाओं को बरगला करके उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें यकीनन ट्रेन किया जा रहा है। यही होता है काव्या जी, जो लोग गलत होते हैं वो दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं। अभी टीटीपी उन्होंने कहा है कल के रात के बयान में कि हम अब पाकिस्तान के जमीनी इलाके को कब्जा करेंगे, तो वो बोलते हैं टीटीपी को भारत मदद कर रहा है। उसी तरह से आईएसआईएस का सवाल ही पैदा नहीं होता, हम तो उन 25 को खोज रहे हैं जो जेलों में थे तालिबान के साथ और अब उनकी खोज लगभग नजदीक आ चुकी है, लेकिन ये गुप्त चीजें बताई नहीं जा सकती। लेकिन ये पूरी गलत इंफॉर्मेशन है, बाड़मेर जैसलमेर और रण ऑफ कच्छ इसके अंदर हमारे इलाके में पाकिस्तान घुसपैठ की संभावना बना रहा है क्योंकि एलएसी के और एलओसी के ऊपर इनको कोई मौका नहीं है और वो नेपाल और बांग्लादेश की तरफ भी नजर गिराए हुए हैं। बिल्कुल, बॉर्डर पे क्योंकि लड़ने की ताकत नहीं है इसलिए घुसपैठ का एक जो कायरों का तरीका होता है वो अपनाया गया है। सर्वेश्वर जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आपकी बात भी पूरी नहीं करवा पाई थी, मैंने आपसे जुडिशरी का फॉर्मेट रखा था, जो जुडिशरी का फॉर्मेट इंडिया के अंदर चलता है माना जाता है, अब आपसे मैं इस पे क्योंकि यकीनन ये हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हम कानूनों को और सख्त करें, जरूरत है हमें कि जो न्यायिक प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है उसको थोड़ी छोटी करें और जल्दी से जल्दी किसी कंक्लूजन पर पहुंचे, ये तो वाजिब है, लेकिन जल्दी से जल्दी फांसी दे देना या ऑन स्पॉट एनकाउंटर कर देना, मैं मानती हूँ आपकी बात को कि एनकाउंटर कर देने के बाद जहन में डर बैठता है, परिवार की बदनामी के बाद लोग विचार करते हैं कि हमारे जाने के बाद भी फैमिली बची है और उसकी भी इमेज पर असर पड़ेगा, लेकिन और कोई तरीका नहीं ढूंढा जा सकता या और कोई ईजी रास्ता नहीं है जिससे हम इसको जल्दी से जो है पकड़ सके? देखिए, इजी रास्ता तब होगा, इजी रास्ता भी है, लेकिन उसके लिए अगर किसी समुदाय है जो इस आतंकवादी घटना में लिप्त रहता है, जो मौलाना लोग मदरसों में बच्चे को तैयार करते हैं इसके लिए, आप या तो उस जो किंग पिन है उनको पकड़ो, उनको भी यही कार्यवाही करो, कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव भी किए जा सकते हैं, अमेंडमेंट लाया जाता है और ये करना पड़ेगा 21वीं सदी में भारत में। आप फ्रांस को देखिए, कठोर नियम उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? अरे, हम भारत वर्ष के नागरिक हैं और हमारे देश का ही एक बंदा हमारे देश के खिलाफ ही गद्दारी कर रहा है और हम उसमें ये देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि 100 गुना छूट जाए और एक निर्दोष को फांसी ना हो,
तो अगर इसके कारण अगर और ये लोग अगर अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते तो कितने लोग मारे जाते, इसका कौन जवाब देता? आपको और भारतवर्ष की जो प्रेजेंट सरकार है वो मुस्तैद है, इसका यही नमूना है कि जब से 2014 से मोदी जी की सरकार आई है तब से वो पुराने वाले हालत नहीं है, आतंकियों की कमर टूट चुकी है और स्लीपर सेल भी जो भारत में जितने सक्रिय थे उसकी कमर पे बार किया जा रहा है। लेकिन पुख्ता इंतजाम तभी होगा, या तो इनका पकड़ते ही आप ये लो एनकाउंटर करो, कानून में ये व्यवस्था है। लेकिन आखिर कानून की ये व्यवस्था, हम जैसे नागरिक, अगर मान लीजिए काव्या जी दिल्ली में बम विस्फोट हो जाए, हम और भी बहुत लोग मारे जाए, तो इसका जवाबदेही कौन देगा? क्या कोर्ट आएगा? 3 बजे भी कोर्ट खुल जाती है, खुलवाई गई है हमारे देश में कोर्टें 3 बजे भी नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट खुलवाई गई ना, उसमें फास्ट तरीके से नहीं होता। मैं आपको एक नॉर्मल एग्जाम्पल देता हूँ, ये कैपिटल पनिशमेंट की जो बात हुई है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हुआ था निर्भया का कांड, उसकी रेप घटना, और आपने देखा था ये जो हमारे यहाँ के जो कोर्ट के जो कानून के लूप होल्स हैं, वो रेपिस्ट नहीं नहीं वो रेपिस्ट उस लूप होल का कितना फायदा उठाए और फांसी होने में कितनी अटकाते रहे। एक पहले प्रेसिडेंट के पास वो भेजता था माफीनामा, फिर उसके वकील सलाह देते थे कि नहीं आप दूसरा भेजेगा, दूसरा नहीं तीसरा भेजेगा, तो हमारे कई सारे थे और प्रावधान यही है कि एक गुनाह के आरोपियों को एक साथ ही सजा दी जाएगी। यकीनन ये लूप होल्स है जिस पर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, समय क्योंकि मेरे पास समाप्त हो चुका है। दोनों मेहमानों बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए और बेहतर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। स्लीपिंग सेल्स पर वर्क करना इंडिया के लिए बहुत कंपलसरी हो चुका है क्योंकि आगामी स्थितियां डरा रही हैं युवाओं का, जिस तरीके से ब्रेन वॉश करके उन्हें गलत चीज़ों में शामिल किया जा रहा है, देश के विरोध में शामिल किया जा रहा है, इस पर काम करने की ज़रूरत है और ज़रूरत है हमारी एजेंसीज को और ज़्यादा सतर्क होने की और ज़्यादा गंभीरता से इस बात को लेने की कि लोगों का कांटेक्ट बेसिकली है कहाँ। 6 महीने बाद अगर पता चल रहा है कि कोई नागरिक 6 महीने से कोई डेटा अपने देश का गुप्त डेटा जो है आईएसआईएस तक पहुंचा रहा था, तो इसमें 6 महीने का समय क्यों लगा? ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर ज़रूर चर्चा होनी चाहिए और सरकार को विचार करना चाहिए।